मैं सानिया बंसल, मैं चारू कोमोरी, हम दोनों पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज चूरू के विद्यार्थी हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, भारत की एक चौथाई जनसंख्या टीबी से पीड़ित है। इसके लिए वर्ल्ड टीबी डे जो कि 24 मार्च को मनाया जाता है, हम लोग टीबी पर कुछ जानकारी देने जा रहे हैं और उस जानकारी के चलते हम आपको कुछ उपचार, कुछ इसके जो बचाव के लक्षण हैं, इनसे आपको थोड़ा सा जागरूक कराने वाले हैं। टीबी का पहला लक्षण है खांसी। यदि आपको खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये सबसे पहला बचाव है टीबी से। शाम में तेज बुखार होना और रात में पसीने आना, यह टीबी का दूसरा लक्षण है। शरीर में कमजोरी आना भी टीबी के लक्षणों में से एक है। यदि आपके शरीर में कमजोरी आ रही है खांसी के साथ, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। यदि खांसी के साथ आपका वजन भी कम हो रहा है, तो यह भी टीबी के एक लक्षणों में से एक मत है। टीबी से बचाव के लिए खांसते समय मुंह पर हाथ या रुमाल जरूर रखें। टीबी से बचाव के लिए अच्छे पोषाहार लें। यदि आप खांस रहे हैं तो खांसने के बाद हाथ जरूर धोएं, इससे भी आप टीबी का बचाव कर सकते हैं। टीबी से बचाव के लिए टीबी के व्यक्ति से कुछ दूरी बनाए रखें। टीबी से बचाव के लिए टीबी के मरीज को हवादार और रोशनी युक्त कमरे में रखें। टीबी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने टीबी हॉस्पिटल में श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि तोवार से संपर्क किया। जब भी कोई टीबी का मरीज डायग्नोज हो जाता है कि टीबी से बीमारी से पीड़ित है, तब हम उसको कहते हैं कि मुंह पे रुमाल रखना है, मास्क रखना है, खांसते वक्त हाथ रखना है, ठीक है। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो हम कहते हैं कि उसके हाथ को ऐसे मोड़ के उसकी तरफ खांसना है, ठीक है। और उसके परिवार वालों को भी हम एजुकेट करते हैं कि मरीज का जो कमरा हो खुला, हवादार हो, उसमें एयर का सर्कुलेशन अच्छा रहे, है ना। और कम से कम उससे बात करते हुए कैपिटी दूरी बनाए रखें, मरीज की डाइट पर भी ध्यान रखें वो, ठीक है। और सिर्फ टीबी नहीं, मतलब किसी भी बीमारी के लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर तो अपना नहीं है, चाहे वो खांसी 2 दिन से आ रहा है या 15 दिन से आ रहा है। अवेयरनेस प्रोग्राम जो है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत ही इम्प्रूव है। जब कोई पेशेंट डायग्नोज होता है तो उसकी घर पर भी होम स्क्रीनिंग की जाती है और घर पर जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। कोई भी अगर उससे ग्रसित है, कोई भी खांसी वगैरह कुछ भी है, टीबी का है, तो उसको डायग्नोसिस के लिए बुलाते हैं और उनको एजुकेट भी करते हैं कि टीबी से बचाव के लिए या फैलने से रोकने के लिए ये उपाय करने पेशेंट जो सिम्टम्स लेके आता है या वॉलेंट्री खुद भी कई बार पेशेंट आता है क्योंकि उसको थोड़ा सा डर होता है कि घर पर टीबी का पेशेंट है, वॉलेंट्री भी चेक करवा जाता है। फिर हमारे पास जो पेशेंट आता है जो उसके कार्डिनल सिम्टम्स है, कम है, फीवर है, अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले उसकी स्पूटम माइक्रोस्कोपी और एक्सरे करवा दें। अगर उसमें टीबी की बीमारी का हमें शक होता है तो हम बाद में एमडीआर टीबी लेके लेंगे। टीबी से बचाव के लिए प्रोटीन युक्त पदार्थ जिस तरह अंडे, दाने, सोयाबीन का इस्तेमाल अपने रोजमर्रा में करें। अपने पोषाहार में विटामिन युक्त पदार्थ जिस तरह खट्टे फल, गाजर का इस्तेमाल जरूर करें। टीबी की सही समय पर जांच ना आएगी देश की प्रयास। टीबी की जांचों पर कैसे की जाती है, एक बटन टेस्ट और एक सीधी नेट टेस्ट। इसमें मरीज का अर्ली मॉर्निंग का हाई कम से कम स्पुटम मंगाते हैं, उसके बाद में ये बफर है हमारा 4 ml 8 ml का, ये इसमें मिलवाते हैं, मिक्स करवाते हैं, मिक्स करवा के छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। उसके बाद में इस पीपेट से 2.5 ml लेके इस बफर वाइल में डालते हैं, फिर छोड़ के ये हमारी मशीन है सेमिनार की, इसमें डालते हैं, ये 1 घंटा 5 मिनट में रिपोर्ट देती है। जल्द से जल्द टीबी का उपचार बचा रहेगा इससे देश और परिवार। टीबी के उपचार के लिए 2 दवाइयों का इस्तेमाल होता है, एक आर्टिस्ट्री जो गुलाबी रंग की होती है जिसे 2 महीने और 56 दिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एक होती है हरे रंग की सीपी स्ट्रिप जिसे 112 दिन या फिर 4 महीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टोटल 6 महीने का पूरा एक उपचार होता है जिससे एक टीबी का व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है। ये आईपी स्ट्रिप है और ये सीपी स्ट्रिप। यदि आपको दवाइयाँ लेने के बाद
शरीर में अड़बड़ हो रही है, जी घबरा रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, कानों में घंटियाँ बज रही हैं, शरीर पर लाल चकते हो रहे हैं, तो घबराइए नहीं। ये टीबी की दवाइयों पर कुछ दुष्प्रभाव है। इसके उपचार के लिए तुरंत डॉक्टर को दिखाएं एवं उपचार पाएं। इस वीडियो द्वारा हमारी जनता को जागरूक करने की कोशिश है। जिस तरह इस बार वर्ल्ड टीबी डे की थीम है पिच टाइम, यानी यही समय है कि हम कुछ कर सकते हैं, टीबी से बचाव एवं उपचार का यही समय है। धन्यवाद। जागरूक होगा हर नर नारी, नहीं फैलेगी टीबी जैसी बीमारी।